नमस्कार प्रिय संस्कृत भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान गुजरात तद्वारा आयोजित प्रकल शिक्षा शिक्षा गुजरात सेविध बी एड् महाविद्यालय ये छात्र अभ्यास अथवा

एकस्मिन् सत्रे एक सत्र के अंदर कंटेंट के रूप में प्रश्नपत्र के रूप में प्रश्नपत्रस्य प्रश्न स्थात अस् संस्कृतम् शास्त्रीय संस्कृत प्रश्नपत्र अंतर्गत अद्यतन विषय आज का यह विषय आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं विषय अस्ति लोकप्रिय संस्कृत किमर्थम लोकप्रिय कारण यदि समाजे एकम कॉमन प्रश्न कुर हम एक सामान्य सवाल पूछे संस्कृत विषये कह अभिप्राय आपका अभिप्राय संस्कृत भाषा के लिए तदा समाजे प्रत्येक जन कथयति ओ संस्कृत भाषा कर्मकांडा अर्थात, कर्मकांड अर्थात लग्न विवाह हवन यज्ञ उत्तमा एका देवभाषा अस्तु दूसरे तद् योग्यमेव वह सत्य है संस्कृत वैदिकी भाषा संस्कृतम देवभाषा विधि विधान इत्यादिषु संस्कृत भाषा प्रयोगः भवति तत्र संशयः नास्ति किंतु केवलम एषा भाषा सदा सर्वदा ग्रंथेशु एव भविष्यति नय एतया भाषया प्राचीन काले जाना परस्पर वार्ताप कुरानी स्म संभाषण वार्तालाप स्म करते थे अपने जीवन का संपूर्ण आदान प्रदान वाग्व्यवहार संस्कृत में करते थे तो संस्कृत केवल नास्ति नस्कृत व्यवहारे अपि अस्ति व्यवहारे अपि अवश्यक तो ऐसी एक अलौकिक भाषा का अध्ययन करने हेतु एका विशिष्टा भाषा तस्यनाथ अशिष्ट कशन उपक्रम चिंत अस्त के अंतर्गत आज का यह प्रथम पाठ प्रथम पाठ लोकप्रिय संस्कृतम् पठामः प्रश्नः भवति लोकप्रियं संस्कृतं संस्कृतं लोके समाजे अस्ति एव तो उसकी लोकप्रियता को उसके अंदर रुचि को बढ़ाने के लिए अधिकम किम कर्तुं शक्नुमः क्या कर सकते हैं समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण दायित्वम अस्ति ते शिक्षकाः वयम् सर्वे शिक्षकाः यदि संस्कृत भाषां संस्कृत भाषा तर्हि तस्य विशिष्टः प्रभावः भवति वह विशिष्ट प्रभाव संस्कृत का अध्ययन संस्कृत माध्यम से करने की क्या आवश्यकता है इस विषय पर इस गीत में कवि ने अत्यंत सुंदर शब्दों में कुछ वर्णन किया है वह पशा अनतर अग्रे चर्चा कूम गीत लक्ष्य निश्चित है कि लक्ष्यम गीत पढ़ा अहम भीत गायामी लक्ष्यमस्ति निश्चितं तथा विचारितम् लक्ष्यमस्ति निश्चितं तथा विचारितम् आचरेम मित्रसंस्कृतेन पाठनम् आचरेम मित्रसंस्कृतेन पाठनम् आङ्ग्लभाषया हि आङ्ग्लमद्य पाठ्यते हिन्दी हिन्दीभाषया तथैव शिक्ष्यते संस्कृतेन संस्कृतं कथं न पाठ्यते संस्कृतेन संस्कृतं कथं न पाठ्यते मित्र आचरेममित्रसंस्कृतेन पाठनम् आचरेममित्रसंस्कृतेन पाठनम् सर्वे प्राध्यापका संस्कृत शिक्षक भावी संस्कृत शिक्षका अथवा गौण विषय संस्कृत शिक्षक संस्कृत संस्कृत माध्यम पाठन से उद्देश्य संस्कृत को संस्कृत माध्यम में पढ़ाने का उद्देश्य क्या है तो इस गीत में कवि ने कहा आंग्ल भाषा इंग्लिश भाषा इंग्लिश भाषाया पाठनाथ मीडियम भाषा मध्यम भाषा आंग्ल हिंदी भाषायाध्यम हिंदी भाषा गुजराती भाषायाध्यम गुजराती भाषा ती संस्कृत भाषाया पाठनाथ किम अषा प्रयोग है अतः हे मित्र हे प्राध्यापक मित्र हे शिक्षक मित्र हे भावी शिक्षक मित्र आचरेम मित्र संस्कृत पाठनम् संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाए आइए द्वितीय पंक्ति ही किम कथयति बोधकारक तथा सुदीप्तिक रहस्यभेदनं विधाय तुष्टिदायकम् रसानुभूतिरेव येन जायते ध्रुवम् रसानुभूतिरेव येन जायते ध्रुवम् आचरेम मित्रसंस्कृतेन पाठनम् आचरेम मित्रसंस्कृतेन पाठनम् अत्र संस्कृत पाठन बोधकारक शीघ्र ही बोधकारक होता है उदाहरणार्थम मैं अगर अनुवाद करता हूँ बालक जल पी रहा है बालाक जल पिबती अनुवादस्य अस्टा पद्धति अहम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वदामि वामी अहम वाक्य लिखा अहम हसा छात्र गोधकारक समझ में आता है उदाहरण एका कथा एक विशाल ग्राम अस्ति ग्रामे एकम शिव मंदिर अस्ति। ग्राम जनाह सर्वे नियमितम् संध्या काले गच्छन्ति। मुझे यहाँ पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि गांव के सभी लोग संध्या काल मंदिर जाते हैं स्वयं ही समझ में आ जाती है भाषा संस्कृतम बोधकारकं तथा सुदीप्तिकारकं दीप्ति, दीप्ति अर्थात् प्रकाशः तेजोमयं तेजोमयं संस्कृतं रहस्यभेदनं विधाय तुष्टिदायकं यानि यानि रहस्यानि सन्ति जीवने तेषां सर्वेषां रहस्यानां भेदनं करोति तुष्टिदायकं सन्तोषदायकं संस्कृत भाषा संतोषम ददाती रसानुभूतिरेव येन जायते ध्रुवम् रसस्य अनुभूति ही इंटरेस्ट उत्पन्नम भवति रसह उत्पन्नः भवति अतः मित्र संस्कृते न पाठनम कुर्मा हा अंतिमे पद्ये किम कथयति अंतिमे पद्ये कथयति साध्यमस्ति संस्कृतेन शिक्षणं वरम् श्रद्धया स्वनिष्ठया विवर्धितं त्वरं नास्ति क्लिष्टतायुतं विरम्यते कथम् नास्ति क्लिष्टतायुतं विरम्यते कथम् आचरेम मित्रसंस्कृतेन पाठनम् आचरेम मित्र संस्कृते न पाठन तथा विचारित आचरेम मित्र पाठनम् पाठन आचरेम मित्र संस्कृते न पाठन संस्कृतेन शिक्षण साध्यम अस्ति हाँ हमें सिद्ध करना है ये हो सकता है श्रद्धापूर्वकम स्वनिष्ठापूर्वकम खुद की निष्ठा के साथ विवर्धितम त्वर हाँ त्वरया अब हमें प्रतीक्षा नहीं करनी पिछले कई वर्षों से भंडारकर पद्धति अनुसारम लक्षशः कोटिशह जना संस्कृत पठितवंत काफी लोगों ने संस्कृत का अध्ययन किया अनुवाद अनुवादमाध्यम अतः साध्यम अस्ति अस्थिक संस्कृत वरम श्रेष्ठ देखिए आप कक्षा में प्रयोग कीजिए छात्रा अदमाध्यमेन पठंती अथवा संस्कृत संस्कृत मध्यम अधिकः कुा कहाँ पर उन्हें अधिक आनंद होता है एक अवलोकनम अवलोकन कूम तृतीय पंक्त कथय क्लिष्टतायुत क्लिष्टतायुत कठिन कठिन का भाव उत्पन्न किया गया किंतु कठिन नास्ति। नास्ति क्लिष्टतायुत विरम्य विरम्यते कथम फिर क्यों विराम लेना किमर्थम विरम्यते कथम विरम्यते कैसा विराम अतः हे मित्र संस्कृतेन संस्कृत पाठयाम आचरे मित्र संस्कृतेन पाठन समग्रगुजरात विविध बी एड् महाविद्यालय ये पाठन कुर आदरणीया हा छात्र निवेदनम अस्त जो हमने आगे गीत में सुना संस्कृत माध्यम पाठनाथ प्रयत्न कूम आप सभी अनुभवी अनेक वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं अगर हम यदि वयत्न एतद् तठिन इसीलिए इस विषय को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नपत्र रचित अस्ति प्रश्नपत्रस्य चर भागा प्रथमे भागे लोकप्रिय संस्कृत शीर्षक विविधानि उत्तमानि कर्णप्रियाणि रुचिपूर्णानि च गीतानि स्थापितानि सी संस्कृत गीतानि हमने सुना होगा कई सारे विद्यार्थी छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालयों के बालक माध्यमिक शाला में पढ़ते हुए विद्यार्थी सर्वे चलचिणा मूवी अथवा एल्बम सॉन्ग सर्व अत्य सहजतया एडोप्ट कुर स्वीकार कुरण कुर अनम गान क चाहे वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो या फिर कोई मूवी का गाना हो कारणम किम कारणम तानि गीतानि लयबद्धानि भवंती संगीत संहितानि भवंती अस्माकम संस्कृत साहित्ये बहवः श्लोकाः सन्ति बहुनी सुभाषितानि सन्ति अनेकानि छंदां시 विद्यन्ते बहुत सारे छंदों का प्रयोग भी होता है किंतु संस्कृत गीता नाम पठन पाठने संस्कृत गीतों के पठन पाठन में अभी हमें थोड़ा प्रयास करना होगा इसीलिए इस प्रथम पाठ में कुछ गीत रखे गए हैं संस्कृत गीता नाम आवश्यकता का किमर्थम संस्कृत गीता पाठनम संस्कृत गीतों का पाठन करवाना उनका गान करवाना उसके लिए कुछ कारण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं सामान्या एतानि संगीते रुचि जनसामान्यः अपि संगीते रुचि धारयती अगर कुछ लयबद्ध कुछ रागबद्ध किसी के कर्णपटल पर आता है तो वह अत्यंत प्रभावकारी होता है चाहे वह गीत हो या श्लोक हो पहले जो हमने बताया कि किस प्रकार अनेक छंदों का प्रयोग अनेक श्लोकों में किया गया है अनेक सुभाषित बहुत से छंदों में विद्यमान है अगर उन श्लोकों का पाठन उन श्लोकों का सुभाषितों का अध्यापन उसी छंद में लयबद्ध पद्धति से करवाया जाए तदा वर्गखंडे छात्रा अत्यंत आनंदेन उत्साहपूर्ण कुर्वन्ति। अभ्यास तो कुरम संगीते रुचि द्वितीय भावपूर्ण गीतम भावपूर्णम अस्ति, उसमें भाव विद्यमान होता है गीत में किसी कवि के भाव विद्यमान होते हैं जो हम सबको लागू पड़ते हैं अतः संस्कृत गीतानत आवश्यकता अस्ति वर्गखंडे तृतीय संस्कृत गीत आनंददायकम अस्ति, आनंद अभी आपके समक्ष बहुत सारे गीत यहां पर प्रस्तुत किए जाएंगे उन्हीं गीतों में से एक पंक्ति अभी मैं आपको सुनाऊं। यही पंक्ति जब हम वर्गखंड में विद्यार्थियों को सुनाएंगे हमारे बीएड के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तदा तेम उत्साहे उत्साह वर्धनम संस्कृत विषय रुचि ही उत्पन्ना भवति जैसा देखिए एक गीत दर्शयामी जो हिंदुस्थान तेजो भारतवर्ष से अत्तिका शिर्सा वंदा भूमिरियम बलिदान से वंदे मातर वंदे मतरम वंदे मातर वंदे मातरम इसे समझाना कठिन भी नहीं है एत बालका एत आओ बच्चो हालांकि यह गीत हिंदी भाषा में उपलब्ध है उसी गीत को यहां पर अनुदित करके संस्कृत में प्रस्तुत किया गया अनगिनत ऐसे गाने हैं जिन गानों को हम प्रस्तुत करके कक्षा में आनंदपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकते हैं पुनः गीतम बोधकारक अस्थदायक गीत यहां एक गीत भारत संस्कृत विलसतु संस्कृत विलसत हृदय हृदय राष्ट्र समृद्धि भवतु भारत देशे भारतभूषा संस्कृत हृदय हृदय विलसतु हृदय हृदय फिर हम उसे अगर आवश्यकता हो यदि विद्यार्थी को अर्थबोध के लिए कहीं पर कठिनाई महसूस होती हो तो हम उसे अर्थबोध करा सकते हैं किंतु जहां तक मैं जानता हूं तथा आवश्यकता न भवती उदाहरणार्थम भूषा, भारत से भूषा आभूषणम संस्कृत भाषा विलसतु हृदये हृदये, प्रत्येक हृदय में विलास करो संस्कृति रक्षा संस्कृत भाषा से संस्कृति रक्षा राष्ट्र समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि में उन्नति राष्ट्र की समृद्धि में अभिवर्धन इसीलिए राष्ट्र समृद्धि ही, ही भारत देशे भारत देश में संस्कृत भाषाया प्रत्येक हृदय विस्तार तो मित्री बोधकारकम संस्कृत गीतम और क्या कहा स्वल्प वाक्य थोड़े से वाक्यों में बहु कथनम् बहुत कुछ कह जाना इस संस्कृत गीत की आवश्यकता यह जो कारण आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए इन कारणों को प्रस्तुत करने के पश्चात मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करूंगा तब आप देखेंगे कि कितने कम वाक्यों में बहुत सी बात बता दी बहुत बड़ी बात बता दी अंतिम कारण योग्य अभिव्यक्ति कारणात छात्राणाम संस्कृत विषये रसनिष्पत्ति रुचिवर्धनम यहां पर ये नहीं कहा संस्कृत छात्रों का संस्कृत विषय में रुचिवर्धन छात्राणाम सर्वेशा छात्राणाम चाहे वह गणित का छात्र हो विज्ञान का छात्र हो हिंदी का हो गुजराती का हो सर्वेशा छात्राणाम संस्कृत विषय रसवर्धनम ही। इसीलिए हमें कक्षा में गीता पाठनस्य पाठन से आवश्यकता अस्त मिराद पाठस्य पाठ से अस्ति संस्कृत पाठने प्रथम पाठ लोकप्रिय संस्कृत भी चार भाग किए गए हैं प्रथम भागे संस्कृत महत्व गीतानी द्वितीय भागे देशभक्ति गीतानी तृतीय भागे शिशु गीतानी बाल गीतानी चतुर्थे भागे जन्मदिन शुभकामना गीतम एवं प्रकारेण एष पाठ चिंतितः अस्ति आपको सभी को पता ही होगा जी अथवा अन्य उपक्रमों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा में उपलब्ध संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में जितने भी संस्कृत गीत हैं उन पाठ्य पुस्तकों में कुछ संस्कृत गीतों का रिकॉर्डिंग किया गया है उन शिशु गीतों का भी हम उपयोग हमारे वर्ग खंड में कर सकते हैं अत्र वयम् प्रथमम् एकम् संस्कृत महत्व गीतम पश्यामः संस्कृत महत्व को प्रस्तुत करता हुआ एक गीत हम देखते हैं अस्तु मित्राणि प्रथमम् गीतम् पश्यामः मैं आशा करूंगा मेरे साथ साथ आप भी इस गीत का अनुगान करेंगे जितनी बार हम इस गीत का पुनः पुनः गान करेंगे उतना ही वह गीत दृढ़ होगा उस गीत का लय और राग उससे भी हम परिचित हो जाएंगे फिर कक्षा में वर्गखंड में छात्राणाम समक्षम आनंदेन गानम करतुम शक्नुम पाठनम करतुम शक्नुम उसे पढ़ाने का सामर्थ्य इसी से प्राप्त होगा गीतम गायामी सुरस सुबोध विश्व मनोज्ञा ललिता हिद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नई क्लिष्टा न चिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कोकिलवाल्मीकि विरचिता रामायणरमणीयकथा अतीव सरला मधुरमञ्जुला नैव क्लिष्टा न च कठिना न कठिना मैं यह मानता हूं मुझे इस गीत का अनुवाद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है जन सामान्य अपि एतत तीतम आनंदेन गातुम शक्नोति अवगंतुम अपि शक्नोति वो समझ भी सकता है सुरस सुबोधा मनोज्ञ हाँ वैश्विकी मनोज्ञ व्यास विरचिता गणेशलिखिता महाभारुण्यकंडवसमथिता नैव क्लिष्टा न कठिना न च पद्ये रामायणस्य उल्लेखः कविकोकिलवाल्मीकिविरचिता रामायणरमणीयकथा कठिना नास्ति अतीव सरला मधुरमञ्जुला नैव क्लिष्टा न च द्वितीय पद्ये महाभारत से उल्लेख गणेशलिखिता। विरचिता गणेश लिखिता वेद व्यास रचना कृतवान देव गणेश विघ्नहर्ता गणेश लेखन कृतवान गणेशलिखिता महाभारते पुण्य कथा कथा किन लोगों की कथा कौरव पांडव संगर मथिता पांडवानाम युद्धस्य कथा नई क्लिष्टा न कठिना तृतीय पद्यम समरांगण गीता विश्ववंदता भगवदगीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टान च कठिनाइव च कठिना कुरुक्षेत्र समरांगण गीता गीता जहां पर इसका गान हुआ कहा कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र समरांगण भूमि युद्ध भूमि वहां पर जिसका गान किया गया विश्ववंदिता का गीता सा की दृषि कैसी है की दृषि कैसी अमृत मधुरा कर्म दीपिका कर्म बोधम ददाती कर्म उपदेशम करोती अमृत मधुरा कैसी मधुर है अमृत जैसी अमृत मधुरा कर्म दीपिका नई व क्लिष्टा न च कठिना कहने का तात्पर्य यह है कि हम संस्कृत भाषा का अध्ययन संस्कृत में करते करते उस स्तर तक पहुंचेंगे हमारे छात्रों को वहां तक पहुंचाएंगे जहां वो भगवत गीता अथवा अन्योन्य किसी भी ग्रंथ का संस्कृत माध्यम में अध्ययन कर सके उसे पढ़ सके ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर सके क्यों क्योंकि यहां कहा भगवत गीता कठिना नास्ति वो कठिन नहीं है क्योंकि हमने कभी उसे संस्कृत में पढ़ने का प्रयास नहीं किया हमने अनुवाद का ही अध्ययन किया अभी मैं आपके समक्ष एक पद्य और भी बाकी है किंतु एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं यथा हस्त हाथ हस्त लेखनी हस्ते लेखनी अस्ति हस्ते पहले मैंने कहा हस्त पश्चात हस्ते हस्ते लेखनी अस्ति मुझे यहां पर अनुवाद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी समझ में आया ना हाथ में पेन है लेखनी है अभी हस्ते हाथ में हस्तः हाथ वो फिर बाद में आएगा अधिकरण आधारोधिकरण अभी आवश्यकता ना अभी हम उसे अर्थबोध किस प्रकार हो पाए उसका दिशा निर्देश करेंगे छात्रों के लिए जैसे यहां पर हुआ हस्ते भगवत गीता का प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मूल शब्द है धर्म क्षेत्र मूल शब्द है कुरुक्षेत्र वहां पर क्या हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यदि सामान्य संस्कृत का अध्ययन किया संभाषण का अध्ययन किया इस प्रकार संस्कृत का अध्ययन किया तो भगवत गीता समझना भी कठिन नहीं होगा धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में है ना तो कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता गीता अमृत मधुरा कर्मदीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना अन्तिमं पद्यं कविकुलगुरुनवरसोन्मेषजा ऋतुरघुकुमारकविता विक्रमशाकुन्तलमालविका नैव क्लिष्टान् च कठिना क्लिष्टान क्लिष्टान कविकुलगुरुः कालिदासः कालिदासद्वारा रचितं साहित्यं नवरसोन्मेषजं नवरसोन्मेषजा कविता नवरसस्य भरपूर काव्य कविता किम काव्यम ऋतु कविता ऋतु ऋतुसंहारः रघुवंशं कुमारसम्भवं विक्रमशाकुन्तलमालविका विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं मलविक तो एवं प्रकारेण नवरसुक्त साहित्यम, तदपि संस्कृत साहित्यम, तहित साहित्य भाषा संस्कृत भाषा कठिना वो कठिन कैसे हो सकती है भला नैव क्लिष्टा न च कठिना मित्राणि एतद्गीतं संस्कृतभाषायाः सारल्यं दर्शयति माधुर्यं दर्शयति महत्त्वं च दर्शयति पुनः एकवारं ध्रुवपङ्क्तिं गायामि सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्यारमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना मित्राणि एतस्य मधुरस्य गीतस्य लेखकः श्रीमान् वसन्तः गाड्गिलः महोदयः वसन्तगाड्गिल् महोदयः एतद्गीतं संस्कृतभारती इति एका काचित् विशिष्टा संस्था समग्रदेशे समग्र विश्व कार्य करोति तद्वारा प्रकाशितम पुस्तक संस्कृत गीतमंजरी गीतमंजरी पुस्तकतः वयम सर्वे एकीत प्राप्त हमारी सुविधा के लिए स्लाइड में भी दिखाया गया है तो यदि पुस्तक नास्ति तथापि समस्या नास्ति अस्माकं प्रथमपाठस्य एतत् प्रथमं गीतं क्षम्यतां द्वितीयं गीतं प्रथमं गीतं लक्ष्यमस्ति निश्चितं तथा विचारितं द्वितीयं गीतं सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा एवं प्रकारेण अस्मिन् लोकप्रियं संस्कृतम् इति प्रथम पाठे वयम बहुनाम सुंदराणाम गीतानाम अभ्यासम कुर्मः इस पाठ में ऐसे अनगिनत संस्कृत गीतों का हम अध्ययन करेंगे उन गीतों में पहले जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था संस्कृत महत्व के गीत राष्ट्रभक्ति गीतम शिशु गीतम बालगीतम् अन्तिमे गीतं च एवं विविधानां गीतानाम् अभ्यासं करिष्यामः एवं प्रकारेण विविधगीतानां माध्यमेन वर्गखण्डेषु छात्राः आनन्दपूर्वकम् उत्साहपूर्वकं संस्कृत अध्ययने रताः भविष्यन्ति धन्यवाद